हाई एवरीवन, इस अक्षता सिंह अम थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट. आज बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइव कर रही थी एंड एक लड़की ने बोला कि मुझे ड्रॉप तो करना है, मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ बट अभी ड्रॉप ईयर में फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद जब कॉलेज में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा होती है. तो मैंने सोचा कि इसको क्या ज़्यादा लगता है, एक बार इसे पूछूं. तो शी वॉज लाइक 5-5, 6-6 लाख हर साल की फीस होती है, इतनी फीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो तब मुझे पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये प्रॉपर डाटा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस कितनी होती है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगी. तो जो अपने पास मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना यार, वो तीन तरीके के मेडिकल कॉलेजेस अपने पास होते हैं. कौन कौन से मेडिकल कॉलेज? एक तो हम लोग के पास होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दूसरे अपने पास होते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एंड तीसरे होते हैं अपने पास प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस. ठीक है, अब गवर्नमेंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट से एडेड होते हैं, तो इनकी जो फीस होती है वो फीस बहुत ज़्यादा कम अपने पास यहाँ पर होती है. दूसरे होते हैं सेमी गवर्नमेंट, जिनके अंदर थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत फंडिंग कर देती है, जैसे भी करती है, तो इनकी फीस बीच में, नाम ही बोल रहा है सेमी, तो बीच की फीस होती है. एंड जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. कुछ मेडिकल कॉलेजेस की तो करोड़ों तक भी चली जाती है. वो डिपेंड करता है आपके जितने कम नंबर उतनी ज़्यादा आपको डोनेशन देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी. तो इनका तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. ऊपर से अब जो सरकार है उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो मार्क्स के बेसिस पे, थोड़ा सा गवर्नमेंट के बेसिस पे कुछ उनका फीस वगैरह रहने वाला है. तो इसका तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फीस कितनी है उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ. तो मैं अपनी उससे रेफरेंस आप लोग को दूंगी और आपको बताऊंगी कि कितनी फीस होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती है. सुनो मेरी बात. सबसे पहली बात, आप जब भी किसी MBBS कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहली बात होती है 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है. उसके बाद क्या होता है, 1 साल की आप लोगों की होती है इंटर्नशिप. ठीक है, अब क्या होगा, इसमें आपके 4 ईयर आप लोग के होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पार्ट 1, थर्ड ईयर पार्ट 2. फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करो तो आई मीन थर्ड ईयर पार्ट 1. ठीक है, उसके बाद अपने पास होता है इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में आप लोगों को एक हर महीने स्टाइपेंड जो है वो स्टाइपेंड आप लोग को दिया जाता है. अब बात करें मेरे कॉलेज के बारे में, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 बार टोटल फीस भरनी पड़ेगी. एंड मेरी फीस कितनी है, मेरी फीस 1 साल की, पूरे 1 साल की 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज पूरे 1 साल की फीस है. और अगर बात करें कि हॉस्टल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 महीने का मेरा हॉस्टल का खर्चा है 12 रुपये. लोन भी नहीं मिलेगा 12 रुपए का, तो ठीक है, तो 12 रुपए है, किसी कोई दे सकता है लोन तो मुझे दे देना, थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है पैसे की. तो अपने पास क्या हो गया, ये इतनी फीस मेरे पास होती है. अब थोड़ा सा अगर तुम लोगों को बिजनेस वाला दिमाग दौड़ा सकते हो तो बिजनेस वाला दिमाग दौड़ा के दिखाओ. तुमको क्या करना है, तुमको 4 साल तक 4 बार फीस जो है वो 4 बार फीस भरनी है. 4 बार फीस भरोगे कितना कितना, 9,000 4 बार मतलब कितना हो गया, 36,000, अगर मैथ थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हो, हालांकि उम्मीद नहीं की जा सकती, बट फिर भी 36,000 के आसपास अपने पास यहाँ पर हो गए. उसके बाद इंटर्नशिप में, अब जैसे ही इंटर्नशिप में आप जॉब करना स्टार्ट करोगे उस टाइम पे क्या रहता है, हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है. मेरे कॉलेज के बारे में बात करें तो मेरे कॉलेज में जो हर महीने का स्टाइपेंड है वो है 28,000 रुपीज, जो कि मुझे अगले 12 महीने तक मिल रहे होंगे, मतलब अप्रॉक्स हो गए 3.5 लाख के आसपास कुछ. मैंने एक रफ सा फिगर अपने पास यहाँ पर ले लिया. अब क्या करो, अब आप खुद देखो, आपने 4 साल तक फीस भरी 36,000 रुपये और 1 साल इंटर्नशिप करके आप 3 से 3.5 लाख रुपए घर वापस लेकर गए. मतलब अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आप अपना खर्चा नहीं करवा के जाओगे पेरेंट्स का, बचा के घर लेकर जाओगे जिस दिन तुम्हें वो डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, जिस दिन तुम्हारा वो एडमिशन अपने पास हो जाएगा. तो ये पूरा डाटा फीस एंड ऑल का होता है जो मैंने अपने कॉलेज की रेफरेंस देके आप लोग को समझा दिया है. साथ में मेरे पास थोड़ा बहुत डाटा है कुछ और स्टेट्स का भी, एंड आई एम नॉट श्योर वो 100% उसमें कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है. तो मेरे ऊपर पूरा विश्वास करने से पहले अपना एक स्टेट का चेक कर लेना, लेकिन मैं एक रफ डाटा बता सकती हूँ, थोड़ा बहुत हो जाता यार, वैसे मैक्सिमम का मैं सही बताने की कोशिश करूंगी. तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश का है 12,000 to 13,000 पर ईयर,
ईयरली फीस बोल रही हूँ ये मैं, ठीक है। देन अपने पास क्या है, असम, असम के बारे में बात करें तो असम के अंदर क्या है अपने पास, समथिंग लाइक 24K के आसपास है। बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर 6K टू 20K के आसपास अपने पास है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में है 40K समथिंग। गोवा के बारे में बात करें तो गोवा में 110K, तो यहाँ पे गोवा वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अपने पास यहाँ पे हो गया। देन हमारे पास अगर गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में है 25K। देन अपन बात करते हैं हरियाणा वाले बच्चों के अंदर, मेरी जो स्टेट है बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर कॉम्प्लिकेशन ही अलग लेवल की अपने पास है। इनके अंदर क्या है, या तो 7 ईयर का बॉन्ड आप लोगों को साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी तो 20-30 लाख के आसपास समथिंग प्राइवेट वाली फीस टच कर दिया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार कह रही है जॉब तो हमारे लिए ही करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो 60K अपने पास हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो 26K आप लोग के पास हो गया। तो इनमें से अगर आप लोग की कोई भी स्टेट अपने पास है तो उसका डाटा एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ और स्टेट्स का डाटा मेरे पास यहाँ पर है, सारी स्टेट्स का डाटा नहीं है, 100% एक्यूरेसी की भी कोई गारंटी नहीं है। मुझे जहाँ से मिला जिन सोर्सेज से वो मैंने आपको बता दिया, आप ढूंढ लेना। 6K टू 75K कुछ इस तरीके का डाटा जो है झारखंड के अंदर वेरी करता है। कर्नाटका के बारे में बात करें तो कर्नाटका में 30K टू 60K के आसपास कुछ फीस है अलग अलग कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैं यहाँ पर बात कर ली हूँ, केरला के अंदर 25K। देन मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो 100K के आसपास है। देन अपन महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है 85K। एंड अगर उड़ीसा के बारे में हम लोग बात करें तो वहाँ पर है 30K के आसपास से लेके 50K। एंड समथिंग पंजाब के अंदर बात करें तो पंजाब में अपने पास है 150K। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो वहाँ पर है 33K। एंड तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर है 13K से लेके 24K के आसपास तक। तो ये डाटा अपने पास हो गया, जो रफ डाटा कुछ मेडिकल कॉलेजेस का मेरे पास था, ठीक है। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, यहाँ पर एमपी अपने पास हो गया, ठीक, महाराष्ट्र अपने पास हो गया, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी फीस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ऐसा ही सिचुएशन आएगा तो आप AIQ के थ्रू दूसरे कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो। बट ओवरऑल अगर आपको मैं बोलूँ एम्स की फ़ीस कितनी है, 4-5 हज़ार रुपये अपने पूरे साल के आसपास की पूरी फ़ीस है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मेहनत करो, फुल मेहनत करो, और गलत डाटा, गलत चीजों के ऊपर, गलत लोगों के ऊपर विश्वास मत करो। कोई भी ऑथेंटिक डाटा चाहिए इस चैनल के ऊपर, जो भी चीजें तुमको मिलेंगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगी, सही चीजें यहां पर मिलेंगी। तो यह चीज अपने पास यहां पर हो गई मेडिकल कॉलेजेस की फीस। खुल के खेलो, पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फीस अगर ज्यादा भी हो, अगर तुम्हारा सपना जो है वो डॉक्टर बनने का है, तो भाई फिर तो चाहे फीस हो चाहे कुछ हो, कुछ सामने आ जाए, फिर अपने को बनना है, मतलब बनना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, नीट 2023 वाले प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर दो। और अगर किसी को बायो की पढ़ाई करनी है तो भाई मैं तो तुमको बोल रही हूँ, पहली बार आज तुमने डिजिटल बोर्ड पे वीडियो भी देखी होगी तो अपना जो है डिजिटल बोर्ड आ चुका है, सेटअप अपने पास लग चुका है, बायो की पढ़ाई मिलकर करना स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त से अपना बैच जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात डिटेल्ड लेक्चर्स यहाँ पर लग रहे होंगे। जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होगा, वन शॉट आप लोगों का लिया जाएगा। वन शॉट खत्म होते ही उसके बाद पूरा यूनिट खत्म होने के बाद मैं खुद NCERT लाइन टू लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हफ्ते में 6 दिन 1 से 1.5 घंटा डेली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आप लोग को दे दूंगी, इसलिए फटाफट से जाना और इस कोर्स के अंदर फटाफट से एनरोल कर लेना, ये आपके पास हो गया। साथ में जितने भी वीक स्टूडेंट्स होंगे, जो टेस्ट आपके पास होंगे, हफ्ते में 2 टेस्ट आप लोग के लिए लिए जाएंगे, DPP आप लोग को प्रॉपर प्रोवाइड करी जाएंगे, साथ में साइंटिस्ट के नेम, वो सब चीज़ें अलग अलग करके दे देंगे। जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स को मैं खुद से जूम कॉल्स वहाँ पर कर रही होंगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, एनरोल करते ही आप लोगों को कॉल किया जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, आप लोगों को प्रॉपर जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। एंड ये पूरा का पूरा कोर्स 1299 रुपीज का है, पूरे साल के लिए ईयर लॉन्ग कोर्स अपने पास है, जो कि सिर्फ बायोलॉजी के लिए 1299 के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक करो, अदरवाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के ऊपर आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, की वंगी पसंद, जय हिंद।